हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ मेरे छत पे। मैंने सोचा मुझे व्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए। अंदर रूम में इतना ज़्यादा अंधेरा है कि मैं कैमरा मतलब वर्क ही नहीं कर रहा आईफोन ठीक से। तो जब तक प्रॉपर लाइट नहीं मिलती आईफोन वर्क नहीं करता है एक अंधेरे में। और हमारे यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम है, इन्वर्टर से हम जो बॉक्सेज हैं सॉफ्ट बॉक्सेज वो नहीं चला सकते। तो हमने सोचा चले छत पे ही ब्लॉग स्टार्ट कर लें क्योंकि आज पूरा घर सजाया जाएगा। कल बैठक है रामायण की, तो मे बी मैं सारा वीडियो जैसे कल मैंने स्टार्ट नहीं करा था, ऐसे वॉइस ओवर में चला गया, तो मैं नहीं चाहती थी, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ छत पे आई हूँ आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ। ये देखो, ये धान है हमारे जो खेत से आए हुए हैं। तो एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये सब धान ना खाने वाले नहीं है, मतलब ये सब बेच दिए जाएंगे क्योंकि जो खाने वाले धान है वो अंदर रख दिए गए हैं और जगह नहीं है ना इतना, तो कहाँ रखा जाएगा। तो इसलिए पापा स्टार्टिंग में ही बेच देते हैं। वैसे तो दीप बोलते हैं कि बाद में, क्योंकि अभी जब धान का सीज़न होता है ना तो प्राइस उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना तो धान मतलब इसको अभी ऐसे नहीं बेचेंगे, अभी इसको क्या करेंगे ना, दे देंगे कूटने के लिए चला जाएगा, तो फिर वहाँ से आएगा तब चावल बना के बेचा जाएगा। तो लेकिन उसकी प्राइस कम होती है जब, क्योंकि अभी खेतों में धान है सबके यहाँ तो मतलब ऐसे ही होता है, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है, स्पेस इतना है नहीं। जब मेरा पहले वो कच्चे वाला घर था तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस था, अब यहाँ पर गिने चुने घर हैं तो कहाँ कहाँ रखा जाएगा, है ना। तो वहाँ पर वो देखो, वो है धान पूरा ढका हुआ है और ये है जस्ट देखो धान पूरा ऐसे करके, और वो पीछे वाला वो जो नीचे छत बनाया, अच्छा मैंने आपको छत दिखाया नहीं जो हमारा बना ना, यहाँ पर भी ये देखो पूरे धान ही हैं ढके हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे धान हैं। तो अभी खेतों में देखो काफ़ी सारे जन के खेतों में ऐसे पड़े हुए हैं धान। तो मेरी साड़ी ना बहुत फिसल रही है तो मुझे बार बार हाथ ऐसे करके करना पड़ रहा है। आज मेरा घर पूरे अच्छी तरीके से सज जाएगा, वैसे तो सजा दीपावली से ही है लेकिन आज अच्छी तरीके से सज जाएगा। तो मैं यहाँ पर आई थी, मुझे लग रहा है प्रत्युष आया था तो पूरा धान फैला दिया है, वो उसके लिए सब कुछ नया है ना। तो अभी मैं चल रही हूँ, लगा दूंगी झाड़ू और देख पूरा, अभी मैं जस्ट सही भी कर रही थी लेकिन हुआ नहीं। और नेहाज गई हैं स्कूल, अब मैं चल रही हूँ नहाने। मेरी ननद रानी आ गई हैं, कल ही आई थी, आपको तो बताया ना मैंने मेरे ब्लॉग में। तो भाभी दीदी मेरी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे दी आप अपने झुमके की डिज़ाइन दिखाइए, तो ये देख लीजिए मेरा झुमका कुछ इस तरीके से है। तोला ओला मुझे नहीं पता होता, आप लोग पूछते हो कितने तोले का है, अगर मैं जाऊँ लेने तो मिल मतलब पता रहे अगर मुझे पैसा देना हो, लेकिन जब पैसा मुझे नहीं देना होता तो ये सिर्फ मैंने डिज़ाइन पसंद की हुई थी और पैसा भी मैंने नहीं दिया हुआ था। डिज़ाइन मैंने मेरी सिस्टर की शादी में पसंद की हुई थी, मेरी सिस्टर के ससुराल से भी सेम ऐसे ही आया हुआ था। आप वो वीडियोस नहीं देखो तो जाओ देखो, उनको ससुराल से क्या कुछ आया हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। तो मेरी सिस्टर के ससुराल से काफ़ी सारे गहने आए थे, झुमका मिल गया था, मैं यार मेरा और तुम्हारा झुमका तो सेम हो गया। तो ये झुमका मुझे नहीं पता कितने ग्राम का है, ना तो मुझे इसकी प्राइस पता है, बस मुझे यही होता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है तो मुझसे कोई, शुरू से ही यार मेरी यही है। वहाँ पर भी मेरे पापा, बस मुझे मुझसे निकलना होता था कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए तो हाजिर हो जाती थी, और यहाँ पर भी मैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मिल जाती है। तो मुझे पैसे वैसे से कोई लेना देना होता नहीं। आप बोलते हो कितने का है तो मैं कैसे बताऊँ आपको, डिज़ाइन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, लेके जाइएगा सुनार को दीजिएगा तो बना देंगे, क्योंकि उनके पास तो होगा ही ऑप्शन, सुनार है तो सीधी सी बात है उनको आइडिया होता है। तो ये साड़ी आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कहाँ से है, तो इस साड़ी को मैंने लिया हुआ है राम राम बैंक खत्री वस्त्रालय, और ये काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी है, 1400 की साड़ी है। इतनी खूबसूरत साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको, कहीं पर कैमरा लगाना पड़ेगा तब दिखाती हूँ। रख के दिखाने में कैमरा अच्छे से नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि दूर हो जा रहा है ना, तो कुछ इस तरीके की साड़ी है, पल्लू इसका ऐसे है। तो जो धान बाबू इधर उधर बिखेर दिया था उसको एक जगह करके मैं इसको ढक दूंगी। ये देखिए बाबू ही आया था, बदमाशी करके गया था, पूरा फैला दिया था। चलो अब चल के नहाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है, कलसा गोठा जा रहा है, गाय का गोबर है उसकी हेल्प से, आप देख सकते हो यहाँ कलसा
कल से पे डिजाइन बनाई जा रही है और ये काफी शुभ होता है रामायण के लिए। सब छोरी मिलके बनाती हैं और ननद। तो ये भाभी अभी ना नेछू दे रही थी, तो इसको सजाया जाता है जौ से। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे चावल कलर किए गए थे उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर कलसा तैयार हो गया है। मैं किचन में बना रही थी चाय और भाभी कुछ चीज़ें थी जो कल रामायण बैठक में चाहिए, तो वो दीप से बोल रही थी, फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा घर अच्छे से तैयार हो गया है। जहाँ पर रामायण होगा वहाँ पर मंडप बन रहा है, तो घर काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये रामायण के लिए, ऐसा लग रहा है मतलब शादी वाली पूरी फीलिंग आ रही है। आपको मेरा घर कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आज से अगर आप एक साल पुरानी सात महीने या नहीं एक साल पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही घर है। सच बताऊं तो ये मेरा सपनों का घर है। सब इतना ज़्यादा खुश थे, दीप के चेहरे पे स्माइल देखिए, पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पर मंडप सजाया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ कि पूरे 20 साल बाद हमारे यहाँ रामायण हो रहा है, मतलब हमारे परिवार में। जैसे दीप के यहाँ, वैसे तो दीप के पापा दो भाई थे तो उनके यहाँ हुआ था जब मैं आई थी, लेकिन घर पे नहीं हुआ था उनका, वहाँ बताया है मैंने शायद स्टार्टिंग में आपने सुना ही है। तो इतने ज़्यादा सब खुश थे, इतने ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे कितना खुश थे। तो अभी हम सब देवरानी जेठानी तीनों जन बगल की हैं, भाभी लगती हैं, तो अभी हम लोग डांस करेंगे बच्चों के साथ मिलके। हम खाएं देखो, घर हमारा काफ़ी अच्छे से सज गया है। कल है, कल रामायण बैठक है ना, तो उसी के लिए सजाया गया है। ए नहीं, कौन नया वाला मेरा मंडल मेरे तन तो नया वाला। हां आ रंग दे दुपट्टा मेरा, ये लगाओ ना बेटा। रात के कितने बज रहे हैं? मतलब 10 बजने वाले हैं ना? 10 बजने में कितने मिनट? 9:43 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी लगा रही है मेहंदी, बड़ी जेठानी की लड़की, वैसे तो मेरी दोनों बड़ी जेठानी हैं, बड़े पापा की, मैं ऐसे ही हमेशा बोलती हूँ, बड़े पापा के बड़े बेटे की बड़ी, मतलब बड़े पापा के बड़े बेटे की बड़ी बेटी। तो अब
मेहंदी लगा रही है, मेरा मन नहीं था, लेकिन जब तक ये जो सामने खड़ी है हटाओ उसे दिखाओ, नेहा दीदी, नेहा दीदी जो है करी नहीं लगाओ, पहले लगवाओ। जब गई इनको बुला के लाई आंचल को कि चलो चाची को मेहंदी लगाओ, मुझे लगाओ, तो बोली एक काम करो, हम कहे हम मेहंदी तो लगा लेंगे लेकिन हमारा वीडियो एडिट करना है क्योंकि कल से रामायण स्टार्ट हो जाना है, तो फिर नहीं हो पाएगा, इतना आवाज चारों तरफ रहेगा कि वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा। तो बोली चाची आप लगवा लो, मैं कर देती हूँ। और अभी तक कहीं यहाँ टहल रही, कहीं वहां टहल रही है, एडिट नहीं हुआ है मेरा वीडियो, बताओ मैं क्या करूंगी। अब मेहंदी भी लगा के फंस गई। एक बार बोली मैं खाना भी खिला दूंगी, अब क्या कह रही है कि चाची इस हाथ में लगवा लो, मतलब इस हाथ में लगवा लो, इस हाथ से खाना खा लेना। अपने मन में सोचे हमें वैसे भी डिनर नहीं करना है, भूख ही नहीं लगी है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है लेकिन गुड़ वाली, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं किसको बोलूँ, सब मुझसे बड़े हैं, दीदी भी मुझसे बड़ी है, भाभी मुझसे बड़ी है, मैं कह नहीं सकती कि दीदी भाभी मेरे लिए चाय भी बनेगी, बुआ का फर्स्ट अनाउंस तो चाय बनेगी, तो चाय बनेगी। तो अभी आज रात में काफी हम लोग मस्ती करने वाले हैं, तो आप लोग देखने वाले हो ना यहाँ पर ना देखो तो शायद इंस्टाग्राम पे देखो, लेकिन देखोगे ही। तो बेटा जरा छोड़ना, एक बार दिखाऊं डिजाइन, अभी स्टार्ट है और जब पूरा लग जाएगा तब आप लोग देखिएगा। काफी सारे लोग अच्छा बताओ मेरा नेल पेंट अच्छा नहीं लग रहा है, नेल अच्छा लग रहा है ना, सब बोल रहे पिछली बार वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। एग्जाम आती है खुशी आएंगी, ओ ऐसे ऐसे छुप जाएंगी मुझे गले लगा के, एजब आएंगी तो ऐसे करेंगी। चलो अभी नहीं, अभी एक्चुअली सच में क्या बोलू मैं, आईफोन की जो जब तक बताया ना जब तक प्रॉपर लाइट नहीं मिलती अच्छा नहीं आता है, तो मिलाऊंगी आप लोग देख लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे ही सो रही थी, उठा के आ गई है तो गोदी उठा के तो फिर ऐसे कैमरे पे ले आना अच्छी बात नहीं। हाँ उस समय बना दो, सिर्फ हमने बोला आचल एक काम करना मेरा अंगूठा छोड़ देना, नहीं तो मैं फिंगरप्रिंट कर तो कह रही चाची इसमें बना, हम क्या इसमें बना दो, बाकी इसमें जिससे कैमरा मैंने होल्ड किया होगा इसमें नहीं बनाना। तो दो मिनट मैंने आप लोगों से बात के लिए आज कर लिया, आज का ब्लॉग भी काफी ज्यादा लंबा हो गया, एंड तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ कैसा लगा ब्लॉग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। ननद जी दीप की दीदी कैसे घूर रही है मुझे कैमरे पे गाली दे रही हो, प्रिया दीप के इंसल्ट करी, इतनी दुष्ट हो, ये सब मस्ती में होता रहता है, चलता रहता है, इग्नोर करना। तो ये हैं दीप की बड़ी दीदी, छोटी दीदी, जो भी दीदी, यही दीदी है एक है, और दीदी बनाई दूध कैसे बनाई, अगड़म बगड़म आलम बालम दम नमादम दीप की दो सिस्टर हो जाए अब नहीं हुई कल हो जाएंगी, कल एक बुआ आ जाएंगी, परसों एक और हो जाएगी, फिर तीन हो जाएंगी दीदी। तो ननद रानी है हमारी, आप लोग मिले ही हो इनसे, लखनऊ जब गई थी दीप इनको खाना खाने नहीं दे रहे थे, इतना चिढ़ा रहे थे कि खा ही नहीं पा रही तो चलो मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। दीदी कुछ बतिया वो हमारे दोनों शिकायत शिकायत करे कोई गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 5:30, हम लोग उठ गए, मेहंदी बिल्कुल भी कलर नहीं आई है और ये आएगी भी नहीं क्योंकि जिस मेहंदी में कलर आना होता है ऑरेंज कलर में होता है, अजीब सा ही है, कलर नहीं आएगी। अब हमारे यहाँ रामायण की बैठक होने जा रही है, 6:30 बज जाएंगे, इतना टाइम हो जाएगा। तो रात में इतना ज़्यादा मतलब थक गए थे यार, कल इतना ज़्यादा थक गए थे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने मेकअप रिमूव नहीं किया, आई शेडो लगा हुआ है, लिपस्टिक लगी हुई है, कुछ भी हिम्मत नहीं हुई कि हम निकाल दें, बस ऐसे ही सो गए। हाथ में मेहंदी भी लगी हुई थी, चाहकर भी निकाल भी नहीं सकते, उससे पहले हिम्मत नहीं हुई, और जब मेहंदी लगा रही थी तो मुझे नींद आने लगी, बहुत लेट सब सोए हैं, बहुत ही लेट, और जल्दी सब उठ भी गए हैं, वो जल्दी उठ गए, तो काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को उठे हुए। और अभी आप सुन सकते हो सॉन्ग भी चल रहा है, तो अभी मैं चल रही हूँ, मुझे एक वीडियो वॉइस ओवर करना है, कर लूँ, छठ पूजा की जो वीडियो है आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं कर पाऊँगी तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जब रामायण की बैठक हो जाएगी, रामायण कहने आ जाएंगे सब, तब नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम कर लेते हैं सबसे पहले उससे, और इस ब्लॉग का करेंगे एंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑलवेज, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।